अगर वो दूसरा शादी कर लिया तो उनको काट कर खुद मर जाएंगे। हाथ में मेहंदी लगाए अभी हमारे साथ जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इनकी शादी 19 फरवरी को होनी थी लेकिन दूल्हे साहब जो है बारात लेकर इनके दरवाजे पे नहीं पहुंचे, और इसके बाद ये लड़की जो है दर दर भटक रही है। 2 साल से इनका जो है एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसके बाद शादी के लिए दोनों लोग राजी हुए, शादी होने वाला था लेकिन सब कुछ तैयार हो गया था 19 फरवरी का वो दिन जिसका ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उस दिन जो है दूल्हे राजा बारात लेके आएंगे। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या कारण हुआ कि इनका दरवाजे पे बारात नहीं आया, इसके बाद ये लगातार रो रही है, भटक रही है, इन्हीं से हम बात करेंगे। ये बताइए कि क्या कुछ हुआ आपके साथ? मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत गलत हुआ। मतलब आपके साथ बहुत गलत हुआ है। अभी देखा जा सकता है कि आपके हाथों में मेहंदी है, आपकी शादी होने वाली थी। हाँ, कितने तारीख को शादी? 19 फरवरी। अच्छा, यही 19 फरवरी को आपके दरवाजे पे बारात आने वाला था, तो क्या कारण हुआ कि बारात नहीं आए? आप लगातार आपकी आंखों में आंसू देखा जा सकता है, बारात क्यों नहीं है आपके दरवाजे पे? क्यों नहीं है? लड़के के माँ पापा मना कर दिए हैं। लड़के के माँ पिता जो है वो मना कर दिए? हाँ, मना कर दिए। पहले तो महिला थाना में लिखित दिए थे कि हम 19 फरवरी को शादी करेंगे। हाँ। और फिर उसके बाद जब कॉल गया तो बोलते हैं, कुछ दिन बात किए थे। हाँ। और 2-3 दिन बात किए, उसके बाद बोलते हैं टाइम आने पर बताएंगे। पहले महिला थाना में लिखित दिए थे कि हम जो है आपसे शादी करेंगे। हाँ। लेकिन उसके बाद जब शादी का सब कुछ फिक्स हो गया, डेट फिक्स हो गया, सब कुछ साटा जो होता है शादी का, सब कुछ खरीदारी हो गया, उसके बाद अचानक से मना कर दिया गया कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे। नहीं, लड़का क्या बोला आपसे? लड़का तो कुछ बोला ही नहीं। वो लड़का ना आने के लिए नहीं फ़ोन रिसीव कर रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा है। उसके बाद फ़ोन वगैरह भी की रिसीव नहीं कर रहा। उसके बाद महिला मंच गए तो वहाँ से फ़ोन किया गया तो बताया कि हम आएंगे मैडम मिलने, फरवरी के लास्ट मंथ में आएंगे मिलने। फरवरी के लास्ट में मिलने आएंगे लेकिन शादी में नहीं आएंगे? नहीं, लेकिन शादी में नहीं आएंगे। अब वो भी मिलने आएंगे तो लड़की सिर्फ नहीं रहेगी। आप तो दोनों के बीच प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था? 2021 से। 2021 यानी कि लगभग 2-3 साल हो गए आप दोनों के बीच प्रेम प्रसंग के? हाँ, हो गया। तो क्या कारण है कि लड़का पहले आपको पसंद कर रहा था लेकिन जैसे ही बात जब शादी की आई तो लड़का आपको इग्नोर कर दिया? ये तो मैं नहीं, कारण क्या हो सकता है कि ये सब दहेज के लिए, या फिर आप देखने में छोटी है, हाइट छोटी है, कहीं ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ? ये सब तो हम नहीं जानते हैं कि कैसे क्या हुआ। अच्छा, आपका एज कितना हुआ? 24। लेकिन आप देखने में बच्ची लग रही है, बहुत सारे लोग देखकर ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो देखने में बच्ची जैसा लग रही है। हाँ, आधार कार्ड है आपके पास? हाँ, आधार कार्ड। अच्छा, ये आधार कार्ड दिखाइए आप, कितना एज हुआ आपका? क्योंकि बहुत सारा नियम कानून है कि नाबालिग में कोई भी जो लड़की है वो शादी नहीं कर सकती है, लेकिन इनके आधार कार्ड को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जन्म तिथि जो है 7/2/1999, यानी कि 24 साल लगभग पूरा हो जाता है आधार कार्ड के अनुसार। तो ऐसा कुछ तो नहीं कि आधार कार्ड पर डेट वगैरह बढ़ाया गया है? नहीं, परेशानी बहुत तरह की हो रही है। हम चाहते हैं कि लड़का को बुला दीजिए और वो एक बार प्रेम से आकर बात कर ले। मतलब क्या है, ये, क्या ये अभी भी आप चाह रही है कि लड़का प्रेम से आ जाए, आपसे बात कर ले, फिर शादी हो जाए ना? आखिर जब उनको यही करना था तो हमको महिला थाना में लिखित क्यों दिए थे, उसी टाइम क्यों नहीं क्लियर किए? हाँ, पहले ये चीज़ें बता देना चाहिए कि मुझे शादी नहीं करना है। हाँ, कारण क्या हो सकता है कि लड़का आपको खुद से इग्नोर कर रहा है, या फिर लड़के के घर वाले प्रेशर दे रहे हैं? लड़के के घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, लड़का ऐसा नहीं था। अच्छा, लड़का पहले ऐसा नहीं था। आपके साथ कितने समय तक प्रेम प्रसंग, आप लोग साथ में रहे भी हैं क्या? हाँ, साथ में भी रहे हैं। कितना समय साथ में रहे हैं? 1-2 साल। 1-2 साल जो है साथ में भी रहे हैं। तो पहले आपको हमेशा ये बातें बोल रहा था कि मैं आपसे शादी करूँगा? हाँ, बोले थे। हाँ। मेरा फैमिली के यहाँ भी, सभी जगह जाकर भी बोले थे कि हमने यहाँ से शादी। आपकी फैमिली के यहाँ भी जाके बोला था कि आपसे शादी करेंगे? हाँ, सभी जगह। अचानक से ऐसा क्या हो सकता है कि लड़का भी आपको इग्नोर कर दिया है? बहुत सारे मीडिया के लोग हैं, लड़का से बात करने का प्रयास कर रहे थे कि आपको आसानी से रख ले, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं कोर्ट में जो है केस लड़ लूँगा लेकिन शादी नहीं करूँगा, ऐसा बात बोल रहा है। अब आप क्या करेगी? क्या आप दोबारा दूसरा शादी करेगी? क्या करेगी आगे आप? हम शादी नहीं करेंगे, दूसरा करेंगे तो उन्हीं के साथ करेंगे। नहीं करेंगे तो उसी के, मतलब बहुत प्यार है उन्हीं से करेंगे, नहीं तो हम किसी से भी शादी नहीं करेंगे। लड़का अगर दूसरा शादी कर लिया तो? अगर वो दूसरा शादी कर लिया तो उनको काट कर खुद मर जाएंगे।
लड़का को। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अभी आपको लड़ना है, कोशिश करना है कि सारा चीज़ें जो है खुद से सही हो जाए। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कुछ समय कोशिश करेंगे, मात्र दो दिन में अगर आ जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे हमें भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे उनके नहीं, साथ। ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, देखने में मतलब आपको देखकर बहुत सारे लोग को ये भी लग रहा होगा कि आप नाबालिग है। नहीं, मैं नाबालिग नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है? हाँ, पिताजी नहीं है। पिताजी कब गुजर गए? पिताजी जब हम छोटे थे, गोद में थे, हाँ। उसी टाइम गुजर गए। अगर आपके पिताजी होते तो आपको लगता है कि मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, दर दर भटकना नहीं पड़ता न्याय के लिए? हाँ? ये बात सच है। पिताजी क्या करते थे? पिताजी ऑटो चलाते थे। अच्छा, पिताजी आपके पहले ऑटो चलाते थे, और माँ जो है घर पे रहती है? माँ है, घरेलू काम करती है। अच्छा। घर में जाकर अब जो है आप दर दर भटक रही है, किस तरीके से आप न्याय चाहती है, क्या चाहती है? मतलब जो लोग भी वीडियो को देख रहा है, आपने क्या FIR दर्ज कराया है महिला थाने में जाकर? हाँ, हमने FIR दर्ज कराया है। हाँ। न्याय में क्या चाहती है? न्याय में हम यही चाहते हैं कि लड़का आए और अच्छा से बात करे, करना है या नहीं ये हमको बताएं, और अगर उनको शादी। लड़का तो साफ तौर पे आपको रखने से इनकार कर रहा है कि मुझे, मैंने कहीं साइन सिग्नेचर किया ही नहीं है, मुझे प्रेम प्रसंग नहीं है, वो बातें झूठ बोल रही है, ये सब बात लड़का बोल रहा है? नहीं, ये वो झूठ बोल रहा है। चाहिए तो महिला थाना में वीडियो भी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। महिला थाना का साफ अच्छा से नहीं है, बट है। इनको फर्स्ट बार जो हम पकड़े थे, पकड़ कर ले गए थे महिला थाना, तो लड़का क्या करता है? लड़का इंजीनियर है। इंजीनियर है लड़का, और आप क्या करती है? हम बैंक में जॉब करते हैं। तो लड़का पहले से जब इंजीनियर था तब आपसे प्रेम प्रसंग हुआ या फिर बाद में हुआ ये सब? नहीं, वो पहले से इंजीनियर था। तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि लड़का इंजीनियर है इसीलिए आपको ठुकरा रहा है ताकि उसको मोटी रकम में दहेज मिले, कोई आपसे बेहतर लड़की मिल जाए? ये सब तो हमें नहीं पता, ये तो वही बताएंगे क्या है क्या नहीं। ये भी बात बोलता है कि हाइट वेट को लेकर की छोटी है देखने में, ये सब चीजें? ये ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो अब आप क्या करेगी आगे? आगे क्या करेंगे देखेंगे, अगर वो आ जाएंगे इस लाइव के द्वारा तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम उनका घर पे जाएंगे। धनबाद। धनबाद घर है लड़का का, और आपका घर बिहार है, तो मतलब धनबाद के लड़के से आपको प्रेम प्रसंग हुआ? धनबाद में वो अपनी बहन के साथ रहते हैं। अच्छा। और इनका घर हुआ जहानाबाद। अच्छा, जहानाबाद घर हुआ धनबाद में। हाँ। रहता है। और यहाँ कुरथौल में वो रूम लेकर रहते हैं। हमें क्या क्या तैयारी हो गया था शादी को लेकर? शादी में सब कुछ, कपड़ा वगैरह सब लड़के का मेरा खरीदा गया, सब कुछ खरीदारी घर पे हो गया था, सब कुछ सज के तैयार हो गया था कि दूल्हे राजा बारात लेकर आएंगे, लेकिन जब बात हुआ शादी का तो इनकार कर दिया ना। हाँ। बारात नहीं है आपके दरवाजे? वो इनकार ही नहीं किए, वो कुछ हमें बताए भी नहीं, वो सिर्फ बोलते थे कि बताएंगे बताएंगे। और ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे लड़की साथ चक्कर हो लड़का का? हो भी सकता, ये भी डाउट आपको लग रहा है ना कि दूसरे लड़की के चक्कर में कहीं बारात लेकर नहीं आया ना? हाँ, ये भी हो सकता है ना। बाकी अंत में जितने लोग आपको देख रहे हैं, प्रशासन से किस तरीके का आपको सपोर्ट चाहिए? प्रशासन से हम हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि जहाँ कहीं भी वो मिले या फिर हैं, बस हमसे मिलवा दें। बस मिलवा देना। हाँ। क्योंकि उनके बिना आप नहीं रह सकते। नहीं। हाँ, चलिए। बाकी आपने इस तरीके का मामला अनेकों देखा होगा, हम लोग गांधी मैदान की तरफ आए हुए थे जहाँ पर मुझे ये लड़की मिली जो लगातार रो रही है, दर दर भटक रही है, क्योंकि इनका शादी 19 फरवरी को होना था, सब कुछ सच के तैयार हो गया था, बस इंतज़ार था कि दूल्हे राजा बारात लेकर आएंगे, लेकिन अचानक से इन लोगों को पता चला कि दरवाजे पर बारात नहीं आने वाला है। पहले इन लोगों का ये भी कहना है कि महिला थाना में लड़का के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था कि वो इस लड़की के साथ शादी करेगा, लेकिन बाद में शादी इनकार कर दिया गया। बाकी इस मामला को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।